उत्तराखंड की सरकार जब भी आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो आप चिंता मुक्त होते हैं। आपको यकीन रहता है कि यदि हमारे बच्चे को भूख लगेगी तो स्कूल में भोजन माता है जो उसे खाना खिलाएगी। लेकिन अब आपके बच्चों को खाना खिलाने वाली ये भोजन माताएं सड़कों पर हैं। अपनी मांगों को लेकर ये लंबे समय से सड़कों पर, और क्या है पूरा मामला वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड, मैं हूँ आपके साथ शोभन सत्य सिंह। दरअसल लंबे समय से जो भोजन माताएं हैं उनकी एक प्रमुख जो मांग है वो रही है कि उनका जो वेतन है वो बढ़ाया जाए। इसके अलावा क्या मांगे हैं वो आपको बताते हैं, और आपको बता दूं कि भोजन माताएं जो हैं वो अब सड़कों पर उतर चुकी हैं क्योंकि महंगाई के दौर में उनका जो गुजारा है वो नहीं हो पा रहा है। लगातार वो ये मांग करें कि हमारा जो वेतन है वो बढ़ाया जाए, न्यूनतम वेतन हमें भी दिया जाए। इसके अलावा क्या मांग है, इसके अलावा जो मुख्य मांग है भोजन माताओं की वो मांग है कि स्कूल से निकालना बंद करो और अस्थाई रोजगार दो। स्कूल से निकालना यानी कि कई स्कूल ऐसे हैं जो पहाड़ों में पलायन के चलते बंद हो गए हैं और वहाँ की जो भोजन माताएं हैं वो बेरोजगार हो गई हैं। भोजन माताओं का कहना है कि जिस प्रकार से किसी शिक्षक को दूसरे स्कूल में उनको नियुक्ति दी जाती है उसी प्रकार से भोजन माताओं को भी अस्थायी किया जाए ताकि उनके आगे रोजगार का संकट ना आए। इसके अलावा जो दूसरी मांग है वो है न्यूनतम वेतन लागू करो। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि इस महंगाई के दौर में भोजन माताओं का जो खर्चा है वो चलाना मुश्किल हो रहा है, इसको लेकर वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो न्यूनतम वेतन है वो तय किया जाए। इसके अलावा प्रस्तावित जो 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय है उसको भी लागू कर देने दिया जाना चाहिए क्योंकि ये जो वेतन मान है 5,000 रुपए ये सरकार ने ही इसको कहा था लेकिन अभी तक ये वेतन मान जो है वो लागू नहीं किया गया है। तो हमारी मांग तो 18,000 की, पर कम से कम जो आप प्रस्ताव की बात करें उसको तो तत्काल लागू करें। तो हमारा कहना है कि अगर जुलाई माह से जो है प्रस्ताव 5,000 रुपए का मानदेय की बात है अगर वो नहीं लागू होता है तो फिर हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसके अलावा जो इनकी मांग है वो है अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा बनाए जाने खाने पर रोक। अक्षय, दरअसल सरकार इस मूड में है कि जो ये स्कूल में मिड डे मील मिलता है इसको अक्षय पात्र फाउंडेशन है उसको दिया जाए ताकि एक ही जगह से सभी स्कूलों का जो खाना है वो चला जाए। इससे नुकसान किसका होगा, इससे नुकसान उनका होगा जो भोजन माताएं स्कूल में खाना बनाकर अपना घर का जो रोजी रोटी चलाते हैं उनको इसका नुकसान होगा, जिसको लेकर उनके आगे रोजगार का संकट उनको दिख रहा है और इसको लेकर वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगली जो मांग है भोजन माताओं को चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है उनको घोषित किया जाए। भोजन माताओं का ये भी कहना था, हमने पिछले समय जब बात की थी भोजन माताओं से तो उनका कहना था कि हम सिर्फ कहने को भोजन माताएं हैं, हमको जब स्कूल खुलता है उससे पहले हमें स्कूल में बुला दिया जाता है और जो चतुर्थ श्रेणी का जो काम है वो भोजन माताओं से कराया जाता है, तो फिर क्यों नहीं जो भोजन माता है उनको चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी उनको मान लिया जाए, उनको घोषित किया जाए। भोजन माताओं का काम केवल भोजन बनाना है, बच्चों को खिलाना है और अपना काम खत्म करके वापस आ जाना है, लेकिन स्कूलों में लगातार जो है इस चीज का दबाव बनाया जाता है कि सुबह स्कूल खोलने से मतलब टीचरों के आने से पहले स्कूल खोलेंगे, ताला खोलने से लेकर के ताला बंद करने तक की जो जिम्मेदारी है वो भोजन माताओं के। सरकार ने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि वो चतुर्थ कर्मचारी जो है महिलाओं को रखेंगे स्कूल में, जबकि भोजन माताएं पहले से चतुर्थ कर्मचारी के बराबर काम कर रही है, पर इनको चतुर्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए इस बात को सरकार नहीं सोच रही है। अगली जो मांग है भोजन माताओं की वो उनके पीएफ, ईएसआई और प्रसूति अवकाश समेत कई अन्य जो सरकारी अवकाश होते हैं उनकी सुविधा भोजन माताओं को मिलनी चाहिए, ये भी इनकी मांग है। और जो अगली मांग है भोजन माताओं का, उनका कहना है कि 12 महीने का वेतन हमें दिया जाए। 12 महीना जो छुट्टियां रहती है उसमें इनको वेतन नहीं मिलता है, तो इनका कुल मिलाकर जो है रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं इनको चिंता हो रही है। जो सरकार की मंशा है कि अक्षय पात्र जो फाउंडेशन है उसको खाने बनाने के लिए अगर दिया जाए तो कहीं भोजन माताएं बेरोजगार हो जाएंगी। भोजन माताओं की कहने को तो ये जो ये ड्यूटी है ये 2 से 2.5 घंटे की है, लेकिन ये 2 से 2.5 घंटे की ड्यूटी निभाते निभाते भोजन माताओं का आधा दिन कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता है।